अगर सही वैसे कोविड केसेस राइज हो रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इससे पहले हम जूझ रहे थे कोविड 19 से, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, साथ ही में कई सारी जानें भी चली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर और मैं आपके साथ ज़रका शफी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें कहा गया कि अब जो है पब्लिक प्लेसेस पे फिर से मास्क लगाना मैंडेटरी है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले कुछ दिन पहले की बात है, जब डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात की जाए अगर, या अगर बात डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की जाए, तो वहाँ की अथॉरिटीज़ ने भी कुछ दिन पहले एडवाइजरी जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा था कि है पब्लिक प्लेसेस पे मास्क लगाना मैंडेटरी है। अगर से देखा जाए कोविड की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो इकॉनमी की बात करें, इकॉनमी भी हमारी डाउन हो गई, लेकिन इस बार जो है एक इनिशिएटिव स्टेप लिया है, जो ही केसेस में हमें राइज देखने को मिला तभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि मास्क लगाना काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि ये वो कोविड की महामारी है जिसने कहीं ना कहीं 3 साल हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, जिसके चलते किसी माँ ने अपने बेटे को खोया, वही किसी बेटे ने अपनी माँ को खोया। आए लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस चीज़ को, इस एडवाइजरी को कितना संजीदा ले रहे हैं। वेल देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव्स उठाए हैं अभी हमारी सेहत को लेकर, आपको याद होगा कि कल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला है, एक डायरेक्शन निकाली है जिसमें ये कहा गया है कि कोविड से बचने के लिए लोगों को मास्क का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब कोविड यहाँ पर फैला हुआ था तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सेम इसी तरह से जो है डायरेक्टिव निकाले थे, जो लोगों के लिए प्रोटोकॉल्स जो है वो मेंशन किए थे ताकि लोग इस बीमारी से बच पाएँ। अभी अगर इनिशियली हम देखें इस वक्त जो स्टेज है कोविड का, खाली अभी जो फिगर्स है उस हद तक नहीं बढ़े हैं, लेकिन राइज देखा जा रहा है। तो उन प्रिकॉशनरी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए और लोगों की जो सेहत है उसका ख्याल करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इकदाम उठाए हैं। लोगों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है, ना सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए बल्कि जो हमारी फैमिलीज हैं उनके सेफगार्ड के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि स्कूल बच्चों को जो है ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से वो वैन्स में होते हैं और स्कूल बसेस में होते हैं तो वहाँ पे वो लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। तो मेरी भी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मास्क को मैंडेटरी बनाए, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। देखिए, आज लगता है कि यहाँ की इंतज़ामिया ने पूरे सही वक्त पर ऐसे इकदाम उठाए कि जो इन्होंने कल ये ऑर्डर जारी किया कि मास्क लगानी लाजमी होगी, उसके बाद आपको पता है कि सोशल डिस्टेंस रखनी है और अपने हाथ वगैरह साफ़ रखने हैं। ये 3 चीज़ें हैं जिस पे अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। जो सरकार ने इनिशिएटिव उठाया, अभी आपको पता है कि पिछले 2 सालों में मुसलसल तौर पे यहाँ पे कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी यहाँ के लोगों को, अब पूरा सरकार और लोग भी इससे अवेयर हो चुके हैं कि किस टाइम सही इकदाम उठाने हैं। इस वक्त सही इकदाम उठाए सरकार ने और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम SOPs फॉलो करें। आपको पता है कि हमारी इकनॉमी जो है वो तबाह हो चुकी है, पिछली बार यहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ा, उस पर नौबत नहीं आनी चाहिए। सरकार यही चाहती है कि उस पर नौबत ना आ जाए, इससे पहले ही हम अगर इन चीज़ों पे अमल पैरा हो जाएंगे तो मुश्किल नहीं है इससे लड़ना। देखिए, पिछली बार यहाँ पे जो नाज़िम तालीम है उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि अगर हमें लगा कि कोविड मुसबत में तादाद ज़्यादा आ रही है तो 50% जो है फ़िलहाल हाज़िरी बच्चों की जो है वो लाजमी बताई जाएगी। अभी उस पर कब अमल पैरा हो जाएगी यहाँ की सरकार, हम इस बात की तवक्का करते हैं कि पिछली बार हमारे बच्चे इसका शिकार नहीं हुए थे, लेकिन अब की ऐसी अलामत है कि पिछले कई ही महीनों से शिकायत है कि बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं, फीवर वगैरह उनको चढ़ता है। तो इससे पहले हमारे बच्चे इफ़ेक्टिव ना हो जाए हम तवक्का करते हैं। जहां कहीं भी यहां पे एजुकेशन सेंटर चल रहे हैं उन पे कड़ी निगाह रखी जाए ताकि मामलात हमारे हाथ से बाहर ना हो जाए। तो आपने देखा लोग भी काफ़ी ज़्यादा इसको संजीदा ले रहे हैं, जबकि अगर बात करें कुछ लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा ले रहे हैं, मगर हकीकत देखें तो वो जो है अभी भी जो है मास्क के बगैर सड़कों पे घूम रहे हैं। लेकिन उनको भी चाहिए कि वो जो है मास्क का इस्तेमाल करें, और आप सबको हम बताते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये वो बीमारी है जिसने हमें 3 साल पूरा घरों में बंद रख दिया था। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे, दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।